JT, perfect hotels, affordable travel. गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जुड़ जाएं सारे बच्चे तो हम सेशन को यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। सारे बच्चे जुड़ जाएं जल्दी से, हम सेशन को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से आपने जो आपके सोशल हैंडल्स हैं वहाँ पर जाके वीडियो को शेयर कर लीजिए, हम सेशन को जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि गाइज, हमने आज एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर आपके लिए। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है यहाँ पर आपके लिए कि हमने आपके लिए गाइज एक बुक ई बुक लॉन्च की है आज, ठीक है। वो है आपकी जीके की, जो जीके वाला पोर्शन है आपका 20 मार्क्स का, हमने आज ही वो बुक आपके लिए लॉन्च की है। अगर आप उसको परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और आपको तो पता है बाकी ई बुक्स भी हैं हमारी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस करंट इवेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो लास्ट बार ये हमारा जो सेशन है वो क्रैश हो चुका था, ठीक है, इसमें उसकी जो आवाज़ थी वो भी क्लियर नहीं आ रही थी। लेक्चर नंबर 3 है गाइस, इसको प्रेजेंट करूंगा यहाँ पर। तो ये लाइव सेशन रहने वाला है, तो बने रहिएगा यहाँ पर एंड तक। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो गाइस अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास आ चुका है, फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIs, जो रिपोर्ट अभी यहाँ पर न्यूज में देखने को मिली है, इसको यहाँ पर कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने गाइज, RBI, SBI, NABARD या IDBI। तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स यहां पर करने होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप यहां पर कीजिए कि जो अभी फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की जो रिपोर्ट यहां पर निकाली गई है रिसेंटली, तो यहां पर कौन से इंस्टीट्यूशन ने इस रिपोर्ट को यहां पर निकाला है। ए का ए आंसर आना बच्चों के शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है गाइस। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास RBI। तो अभी रिसेंटली यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनेंसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIs रिपोर्ट जो है, ठीक है, इसके डेटा को एनालाइज किया है फ्रॉम 2.58 लाख पंचायत, ठीक है, 2.5 लाख पंचायत से डेटा यहाँ पर कलेक्ट किया गया है 2020-21 से लेकर 2022-23 तक यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया गया है। जो फाइंडिंग्स यहाँ पर निकाली गई हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि पंचायत हैविली रिलाई ऑन ग्रांट्स, ठीक है। तो पंचायत जो है वो ग्रांट्स पर रिलाई करती है 95%, ठीक है, ड्यू टू लिमिटेड ऑन रेवेन्यू सोर्सेज लाइक प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, वो अपना प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पर देते नहीं है, उनका उससे वहाँ का लिमिटेड रेवेन्यू उनको आता है। ज़्यादातर वो ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर ही रिलाई करते हैं। इंटरेस्ट रेट वेरिएशंस इन डिवोल्यूशन इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स, इनकंसिस्टेंट डेटा पोजेस चैलेंजेस इन असेसिंग फिजिकल हेल्थ, ठीक है, इससे जो हमारे जो फिजिकल हेल्थ है उसमें भी यहाँ पर चैलेंजेस देखने को यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। PRI स्ट्रगल विद लोकल टैक्स रेवेन्यू, यहाँ पर ये लोकल टैक्स रेवेन्यू जनरेशन है उसके यहाँ पर स्ट्रगल किया जाता है ड्यू टू अ लिमिटेड टैक्स बेस, इनका जो टैक्स बेस है वो यहाँ पर लिमिटेड रहता है, लोग ज़्यादा टैक्स यहाँ पर नहीं देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो रेवेन्यू सोर्स रहता है गाइस, यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू सोर्स रहता है वो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की जो ग्रांट होती है वही रहती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे गाइस यहाँ पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 है,
वेयर वॉज द 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU, ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिली, कहाँ पर ये हुई, ठीक है, यहाँ पर आप अमित शाह जी को देख रहे हैं, यहाँ पर ये कहाँ पर हुई बताना है आपको, जयपुर में हुई, गांधीनगर में हुई, लखनऊ में हुई या इंदौर में हुई। अगर आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं है तो आप अपना थोड़ा रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। जो 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर ये गांधीनगर गुजरात में देखने को मिली। यूनियन मिनिस्टर जो है यहाँ पर हमारे अमित शाह जी, ठीक है, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने यहाँ पर 5th इंटरनेशनल एंड 44th ऑल इंडिया क्रिमिनोलॉजी कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर हेल्ड किया, ठीक है, कहाँ पर हुई है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस जो है यूनिवर्सिटी में, कहाँ पर है, गांधीनगर गुजरात में है, जहाँ पर इस सेशन को यहाँ पर अमित शाह जी ने एड्रेस किया। कॉन्फ्रेंस ने ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया फॉरेंसिक बिहेवियरल साइंस पर, इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर फोकस देखने को मिला, जो यहाँ पर अमित शाह ने ज़्यादातर उसको हाईलाइट किया, ठीक है। यहाँ पर जो बिहेवियरल साइंस का रोल है उस पर भी ज़्यादा एम्फेसाइज देखने को मिला, जो क्राइम को प्रिवेंट करती है। ही इनोग्रेटेड अ डिजिटल फॉरेंसिक एक्सीलेंस सेंटर फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इनोवेशन अंडर स्कोरिंग इट्स इंपॉर्टेंस अलॉन्ग साइड अ रोबस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिजिटल फॉरेंसिक एक्सीलेंस सेंटर जो है कैपेसिटी बिल्डिंग और इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसको भी अमित शाह जी ने यहाँ पर क्या किया, उसको भी इनोग्रेट किया। ओके, अब हम देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यहाँ पर इंडिया ने क्या किया, इंडिया सरपास्ड विच कंट्री टू बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट ग्लोबली। अभी आपको बताना है कि रिसेंटली इंडिया ने कौन सी कंट्री को सरपास किया है जहाँ से वो फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट बनी है ग्लोबली। अगर हम देखें तो हांगकांग को यहाँ पर सरपास किया है, सिंगापुर को, श्रीलंका को या ऑस्ट्रेलिया को, तो कौन सी कंट्री को यहाँ पर भारत ने सरपास किया है वो आपको बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जो भी हमारा पिछले 4-5 दिन का करंट अफेयर छूटा हुआ था उसको हम एक ही वीडियो में यहाँ पर कवर करते हैं, ठीक है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है गाइज हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, हांगकांग। क्या आंसर है इसका, हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। इंडिया ने रिसेंटली यहां पर हांगकांग को ओवरटेक किया है, ठीक है, और बन गई है फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट, जहां पे इक्विटी शेयर्स के बारे में बात होती है। बोस्टिंग अ टोटल मार्केट वैल्यू यहां पर बताई गई है इक्विटी मार्केट की 4.33 ट्रिलियन, जहां पर इसने जो हांगकांग की जो है मार्केट वैल्यू है 4.29 ट्रिलियन है उसको सरपास कर दिया है। लीडिंग अगर हम देखें जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है वो कौन कौन सी है, US, चाइना एंड जापान, ठीक है। ओके, आपको इतना याद रखना है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। चलिए अगर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे गाइस आ चुका है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कम अंडर विच मिनिस्ट्री। तो जो यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। ऑप्शन है आपके सामने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। BSF की मिनिस्ट्री आपको बतानी है किसके अंडर यहां पर आती है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर गाइस। तो क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर ही था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अभी जो मिनिस्टर है आपको पता ही है वो कौन है, चलिए कमेंट करके बताइए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर किसके पास है, जल्दी से बताइएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके पास है, अभी होम अफेयर के मिनिस्टर कौन है ये आपको बताना होगा। देखता हूँ सबसे पहले कौन इसका आंसर करता है। जब तक आप बताएंगे तब तक हम इस क्वेश्चन की थोड़ा एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। पंजाब और वेस्ट बंगाल जो हैव चैलेंज सेंट्रल गवर्नमेंट्स डिसीजन टू एक्सपेंड द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑपरेशनल जुरिडिक्शन फ्रॉम 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। जहां पे पंजाब और वेस्ट बंगाल में यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है जहां पे वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को ऑपरेशनल कर देंगे, उसकी जुरिडिक्शन को यहां पर एक्सपेंड कर देंगे, जो यहां पर 15 किलोमीटर की थी, ठीक है, उसको 15 से 50 किलोमीटर तक यहां पर पहुंचाया जाएगा, ठीक है। चलिए इतना आपको याद रखना है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बताया है उज्मा जावेद ने। तो गाइस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो अभी अमित शाह जी के पास है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगर हम साइंस के लिहाज से देखें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देना, क्योंकि ये आपका साइंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि ज़ोंबी वायरस जो है,
ठीक है। अभी रिसेंटली इसको यहाँ पर ये एक तरीके का वायरस आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसको न्यूज़ में देखा गया है। तो ये क्या है? एनिशेंट वायरस है आर फ्रोजन इन द आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट। यह वायरस जो यहाँ पर स्पेस में देखने को मिलता है, डिजीज एक्स है या कोविड 19 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो एनिशेंट वायरस जो था, ठीक है, एनिशेंट वायरस जो था जो यहाँ पर आर्कटिक के परमाफ्रॉस्ट पर क्या हुआ था, जमा हुआ था, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जोम्बी वायरस। क्यों ये यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिला? जोम्बी वायरस जो है यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है एंड द थॉइंग ऑफ आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट। यहाँ पर जो आर्कटिक का परमाफ्रॉस्ट है ये वहाँ पर देखने को मिलता था। द राइजिंग टेम्परेचर, अभी जो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, यहाँ पर लेड टू द थॉइंग ऑफ प्रीवियसली फ्रोजन आइस विच कुड अनलीश जोम्बी वायरसेस। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारा स्नो है, ठीक है, जो हमारी आइस है, जो यहाँ पर जमी हुई बर्फ है वो पिघलना शुरू हो गई है और उससे जोम्बी वायरस जो है ये यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहे हैं। जोम्बी वायरस एक अमोबा वायरस है दैट साइंटिस्ट हैव रिवाइव्ड फ्रॉम द मेल्टेड आइस। यहाँ पर ये साइंटिस्ट ने इसको कैसे यहाँ पर देखा है, जो यहाँ पर बर्फ पिघल रही है ना, वहाँ से इस जोम्बी वायरस को देखा गया है, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। द न्यू स्ट्रेन हैज वन ऑफ 13 वायरल जीनोम्स विद पंडोरा वायरस येडोमा 48,500 ईयर ओल्ड। यहाँ पर ये देखने को मिलता है, जो यहाँ पर लॉन्गेस्ट फ्रोजन वायरस देखने को मिलता है, ये इन्फेक्शियस यहाँ पे बनता जा रहा है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दी कि जोम्बी वायरस जो किससे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ एम्परर पेंगुइन। जो एम्परर पेंगुइन है उसका प्राइमरी हैबिटेट कहाँ पर देखने को मिलता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, डिजर्ट रीजन्स में, या आर्कटिक टंड्रा में, या पैक आइस एंड सराउंडिंग मैरीन एरियाज इन एंटार्क्टिका। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर करना है। जिसका यहाँ पर रेजोल्यूशन क्लियर नहीं है ना, वो थोड़ा अपने उसको बढ़ा दीजिएगा, जो आपकी रेजोल्यूशन है उसको बढ़ा देना, ठीक है। तो जो गाइस इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर है। पैक आइस एंड सराउंडिंग मैरिन एरिया जो है अंटार्कटिका में, वहां पर एम्परर पेंगुइन जो है, ठीक है, उसकी कॉलोनीज यहाँ पर देखने को मिली है। 4 न्यू एम्परर पेंगुइन कॉलोनीज वर रिसेंटली डिस्कवर्ड कहाँ पर की गई है? अंटार्कटिका में थ्रू सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू इसको यहाँ पर डिस्कवर किया गया है। एम्परर पेंगुइन जिसका नाम याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम जो है इसका दैट इज एपनोडाइट फॉर्स्टेरी। ये लार्जेस्ट पेंगुइन स्पीशीज है इनहैबिटिंग, ये रहती कहां पर है? एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट और सब एंटार्क्टिक आइलैंड है, यहां पर देखने को मिलती है। ड्यूरिंग ब्रीडिंग मंथ्स, जो इनके ब्रीडिंग मंथ रहते हैं अप्रैल टू नवंबर, कॉलोनीज आर फाउंड बिटवीन 66 डिग्री एंड 78 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, ठीक है, ये 68 और 78 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में देखने को मिलती है एंटार्क्टिका की जो कोस्ट लाइन है वहां पर, ठीक है। द आइस एडाप्टेड बर्ड, यहाँ पर ये आइस में ही ये बर्ड देखने को मिलती है, हैव डिस्टिंक्ट ब्लैक एंड व्हाइट कलरिंग विद ऑरेंज एंड येलो एसेंट। तो यहाँ पर ये डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, जिनके यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट कलरिंग थी, जिसमें उनके ऑरेंज और येलो एसेंट भी देखने को मिलते थे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा आगे और अगला क्वेश्चन। वेयर वॉज द 84th ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड, ठीक है। आप यहां पर देख रहे हैं कि ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस यहां पे हो रही है, तो 84th आपको बताना है, ठीक है, 84th ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई? मुंबई में, भोपाल में, न्यू दिल्ली में या चेन्नई में, इसका आंसर आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दैट इज मुंबई, ठीक है। जो ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर ये मुंबई में हुई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर एड्रेस किया 84th ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने ज्यादा किस पे जोर दिया, वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म थ्रू ई विधान एंड डिजिटल संसद, ठीक है, ई विधान और डिजिटल संसद के थ्रू इन्होंने यहाँ पर ये सब चीजें बताई, ओके। अब हम बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में और जान लो कि ही कमेंडेड दैट द गवर्नमेंट रिमूवल ऑफ 2000 आउटडेटेड लॉज और द पास्ट डिकेड। अगर पिछले डिकेड की बात हम करें तो इन्होंने यहां पर 2000 ऐसे आउटडेटेड लॉ थे जिनको रिमूव किया है। लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला, जो कि आपको पता होना चाहिए, इन्होंने यहां पर इस कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया, ठीक है,
और इन्होंने यहाँ पर एक कंसर्न जताया कि जो लेजिस्लेचर में इनडिसिप्लिन हो रहा है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर एक कंसर्न जताया है। जो ऑल इंडिया प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस है सेलिब्रेटिंग इट्स सेनेटरी इन 2021 प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग लेजिस्लेटिव गवर्नेंस इन इंडिया। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, इसको आपने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे, व्हाट इज आर्माडो? व्हाट इज आर्माडो? आर्माडो क्या है जो यहाँ पर रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला? इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बलास्टिक मिसाइल है, सैटेलाइट है या आर्मोर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है? तो आप यहां पर इसको देख रहे होंगे, दिस इज आर्माडो। ये है क्या चीज गाइस? दिस इज आर्माडो लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, न्यू महिंद्रा। ये महिंद्रा की न्यू जो आर्माडो है, इंडिया की यहां पर फर्स्ट आर्मोर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल यहां पर देखने को मिली है। डेब्यूटेड एट द रिपब्लिक डे परेड, सबसे पहले इसको यहाँ पर पब्लिक डे परेड में इसको लाया गया है। डिजाइन और इसको यहाँ पर बनाया गया है महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के जरिए। इट्स इंटेंडेड फॉर द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज इन काउंटर टेररिज्म, तो काउंटर टेररिज्म में भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। स्पेशल फोर्सेज रिकॉग्नाइंस एंड बॉर्डर पेट्रोलिंग में भी यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। इसमें सीटिंग कैपेसिटी जो रहेगी 6 की रहेगी, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं 8 की भी इसको बना सकते हैं, और ये 1000 kg की लोड कैपेसिटी इसकी रहेगी, जो इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने गाइज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन द इंडियन आर्मी? तो फर्स्ट वुमेन कौन बनी जिसको यहाँ पर सूबेदार का रैंक देखने को मिला है इंडियन आर्मी में? ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए हैं, प्रीति रजक, राजेश्वरी कुमारी, मनीषा खेर या श्रेयसी सिंह। तो 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीति रजक। प्रीति रजक ओके, चैंपियन ट्रैप शूटर रह चुकी है ये प्रीति रजक। इन्होंने एक हिस्ट्री बना दी है और ये पहली वुमेन सूबेदार बन चुकी है यहाँ पर आर्मी में। ठीक है, प्रमोटेड फ्रॉम हवलदार से प्रमोट होकर यहाँ पर ये सूबेदार बनी है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हमें आर्मी में देखने को मिलता है। ओके, सूबेदार रजक जो है एक मेरिटोरियस स्पोर्ट्स वुमेन है, शूटिंग में इनकी ज़्यादा महारत है। इन्होंने आर्मी को 2022 में क्या किया था, ज्वाइन किया था 2022 में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था बेस्ड ऑन हर ट्रैप शूटिंग प्रोवेस। ओके, करंटली द सीएमपी इज द ओनली आर्मी ब्रांच विद इनलिस्टेड वुमेन ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एस्पायरिंग फीमेल अग्निवीर। अभी जो फीमेल अग्निवीर जो जा रही है, ठीक है, वो भी यहां तक पहुंच सकती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्केट एसेस इनिशिएटिव MAI स्कीम है, अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली है, ये किसके साथ यहां पर जुड़ी हुई है उसके बारे में आपको बताना है। मार्केट इन एक्सेस इनिशिएटिव स्कीम, ओके, इम्पोर्ट प्रमोशन स्कीम है, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड स्कीम है या रिन्यूएबल एनर्जी स्कीम है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए थोड़ा, तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा हुआ कि ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट RBI की जो गाइडलाइन आई है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के ऊपर, तो वहाँ पर ये मार्केट असेसमेंट एक्सेस इनिशिएटिव यहाँ पर देखने को मिला है। तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है। ठीक है, अभी जो यहाँ पर बजट आई है अहेड ऑफ द इंटरिम बजट 2024 को, अभी यहाँ पर आपको बजट देखने को मिली, एक्सपोर्टर्स आर अर्जिंग द गवर्नमेंट टू एलोकेट। एक्सपोर्टर जो है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से चीज़ों को बाहर, वो यहाँ पर गवर्नमेंट से ये अर्ज कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पर 3.88 बिलियन जो है एलोकेट किया जाए मार्केट एसेस इनिशिएटिव MAI स्कीम के लिए। MAI है क्या? MAI एक एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव है जिसका एम क्या रहता है, कैटलाइजिंग सस्टेन्ड ग्रोथ इन इंडियाज एक्सपोर्ट। यहाँ पर जो सस्टेन्ड ग्रोथ है इंडिया के एक्सपोर्ट में देखने को मिले। ओके, अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला है, ये कौन से रिवर पर यहाँ पर बना हुआ है? चिनाब रिवर, तावी रिवर, सतलुज रिवर या कावेरी रिवर? यहाँ पर ये रटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है। ठीक है, कौन सी रिवर पर देखने को मिला ये गाइस? ये यहाँ पर चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, मेरे घर से 5 मिनट वहां तक लगते हैं रटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट तक। ओके, द गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है जो चिनाब रिवर की जो डाइवर्जन है वो करी जाएगी टनल के थ्रू टू एक्सेलरेट 850 मेगावाट का रटली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जाता है, तो कौन से रिवर पर है गाइस? ये है हमारे चिनाब रिवर पे। तो एरिया आपको बता दूं, ये है द्राबशाला एरिया, यानी कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये
पड़ता है। ओके, यहाँ पर ये बता दिया कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। एक चिनाब रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इनिशिएटिव लिया जा रहा है, डेवलप्ड बाय इसको रैटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन RHPCL, एक जॉइंट वेंचर है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर पावर, स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन का। ठीक है, एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके जरिए यहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। ओके, अब हम देखते हैं गाइज हमारा अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, Which three countries recently announced their withdrawal from the Economic Community of West African States, ECOWAS? याद रखेगा इसका एक्रोनिम पता होना चाहिए, ECOWAS यानी कि Economic Community of West African Countries। यहाँ पर कौन सी तीन कंट्रीज को यहाँ से निकली हैं? ठीक है, यहाँ पर आप ये देख रही होंगी, ये है हमारा साउथ अफ्रीका, अफ्रीकन जो हमारा कॉन्टिनेंट है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं, बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर, लाइबेरिया, नाइजीरिया एंड साइरा लियोन, घाना, ग्वीना एंड ग्वीना बिसाउ, बेनिन, केप वर्दी एंड कोट डी अवेयर। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो तीन कंट्रीज हैं जिन्होंने यहाँ पर क्या किया है, अनाउंस किया है कि वो यहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लेंगी, तो यानी कि आप इससे बाहर निकल जाएंगी। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर एक, बुर्किना फासो, याद रखेगा, माली एंड नाइजर, ये तीन कंट्रीज यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, अपने आप को यहाँ से बाहर निकालेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यों बाहर जा रही है, कोई रीज़न तो बनता है बाहर जाने का। ये एक्विजिशन यहाँ पर लगा रहे हैं कि इकोवास जो है ऑफ इम्पोज इन पे इलेजिटिमेट, इनह्यूमेन एंड इररिस्पॉन्सिबल सेंक्शन लगा रहा है अगेंस्ट देम आफ्टर देयर मिलिट्रीज सीज्ड पावर इन रिसेंट कोप्स। ओके, द सेंक्शन जो है विच लिमिट्स बॉर्डर मूवमेंट, सेंक्शन जिन पर ये रहेंगी कि वो यहाँ पर बॉर्डर मूवमेंट नहीं कर सकते, ट्रेड नहीं कर सकते, हैव हर्ट द कंट्रीज, यहाँ से जिसकी इकोनॉमी कंट्री की इकोनॉमी को हर्ट पहुँचेगा, इसलिए यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, ये बोलते हैं कि हम यहाँ से विड्रॉल कर लेंगे। और विड्रॉ अगर यहाँ हो जाएगी तो जो यहाँ पर रीजनल ब्लॉक है वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा और यहाँ पे इनके बीच में टेंशन्स का माहौल यहाँ पर ज्यादा बन जाएगा। ओके, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी, रिसेंटली यहाँ पर न्यूज में देखने को मिली, आप यहाँ पर देख रहे हैं दारोजी स्लॉथ बियर सेंचुरी है, कौन से स्टेट में है ये, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या केरला में है? तो गाइस आपका जो एनवायरमेंट वाला पार्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शंस यहाँ पर आने आपके शुरू हो गए हैं, तमिलनाडु आपका आंसर आया है किसी बच्चे का। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। कर्नाटका में यहाँ पर ये देखने को मिलती है, कर्नाटका फेसिस ह्यूमन स्लॉथ बियर कन्फ्लिक्ट, कर्नाटका में ह्यूमन स्लॉथ बियर कन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, जहाँ से एक कंसर्न बन जाता है कम्युनिटीज के लिए और वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट के लिए। साइंटिफिकली इसको यहाँ पर बोला जाता है मेलोरसिस आर्सिनस स्लॉथ बियर एंड वन ऑफ द एट ग्लोबल बियर स्पीशीज है, जो आठ ग्लोबल की बियर स्पीशीज उनमें से एक यहां पर ये देखने को मिलता है। ठीक है, आर मायरमिकोफैगस फेवरिंग बर्ग्स एंड टर्माइट्स इनहैबिटिंग ड्राई एंड मॉइस्ट फॉरेस्ट एज वेल एज ग्रास लैंड इन इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड पोटेंशली भूटान, दे स्पोर्ट लॉन्ग शैगी डार्क फर एंड कर्व्ड क्लास, इट इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल बाई द IUCN। अगर हम IUCN की क्लासिफिकेशन में बात करें तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं गाइज किसमें, जब हम अपना कवर करेंगे इन्वायरमेंट वाला पोर्शन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने गाइज, यहाँ पर INS सुमित्रा रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली, वट काइंड ऑफ वेसल, तो ये कौन सी काइंड का वेसल आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, पेट्रोल वेसल है, फ्रिगेट है, डिस्ट्रॉयर है या एयरक्राफ्ट कैरियर है? क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पर आपको आंसर करना है। तो क्या जैसे पेट्रोल वेसल, यहाँ पे पेट्रोलिंग होगी। ठीक है, इंडिया नेवी का INS सुमित्रा, याद रखेगा INS सुमित्रा जो है सरयू क्लास पेट्रोल वेसल है, रेस्क्यूड हाईजैक्ड फिशरमैन ऑफ सोमालियाज ईस्ट कोस्ट, जहाँ से यहाँ पर क्या किया गया है, जो सोमालिया के ईस्ट कोस्ट पे फिशरमैन को हाईजैक किया था उसको यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है इस पेट्रोल वेसल के जरिए, जिसका नाम था INS सुमित्रा। यहां पर इसको कमीशन किया गया था 2014 में और ये लास्ट वेसल है इस क्लास का जिसको यहां पर गोवा शिपयार्ड ने तैयार किया था। बेस्ड इन चेन्नई, इसका चेन्नई में बेस्ड है, ये चेन्नई में है, कहां पर, किसके अंडर ये आता है, ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर ये आता है। इट्स प्राइमरी रोल्स इंक्लूडिंग EEZ सर्विलेंस, ठीक है, EEZ सर्विलेंस में आता है। ठीक है, एंटी पायरेसी पेट्रोल्स,
फ्लीट स्पोर्ट मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड एस्कॉर्ट ऑपरेशंस का ये काम करता है। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला एफेक्टर FMCEF प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स क्या देखने को मिलता है, फंजाई, प्लांट्स, बैक्टीरिया या एनिमल्स। ठीक है आपको इसका आंसर बताना है। तो गाइस इसका आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है बैक्टीरिया। रिसर्चर्स ने अभी यहां पर एक माइटोकॉन्ड्रियल कॉक्सिएला एफेक्टर यानी FMCEF मॉडल यहां पर निकाला है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोटीन है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है ग्रैम नेगेटिव इंट्रासेलुलर बैक्टीरियम जिसका नाम है कॉक्सिएला ब्रंटी। या आपको ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में आपको नॉलेज रखना है क्योंकि साइंस भी आपके पेपर में पूछी जाती है, जिसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। ओके अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे इनको। ऑप्शन है आपके सामने, राधा रोत्री, कुसुम खांडवाल, कामिनी गुप्ता या गीता खन्ना। इस क्वेश्चन का गाइस आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राधा रतूरी। राधा रतूरी जो है यहां पर एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है 1988 बैच की, इनको फर्स्ट वुमेन सेक्रेटरी बनाया गया है उत्तराखंड का। ठीक है यहां पर इन्होंने सुखबीर सिंह संधू जी को रिप्लेस किया है और ये पहली वुमेन बन चुकी है जिन्होंने एक टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यहां पर स्टेट में ली है। रतूरी हैज एन एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव, इनका अगर हम देखें तो एक्सटेंसिव एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर देखने को मिलता है। यहां पर इन्होंने अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भी शुरू किया है। इनिशियली एस्पायरिंग टू बी ए जर्नलिस्ट, इनिशियली ये क्या थी जर्नलिस्ट थी, उसके बाद इन्होंने आईएएस ज्वाइन किया अपनी थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम में। ओके अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है व्हाट इज एल्पेन ग्लो। एल्पेन ग्लो यहां पर आप देख रहे हैं रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, तो ये है क्या, एक नए टाइप का माउंटेन है या एक नेचुरल फिनोमिना है इन्वॉल्विंग द इल्यूमिनेशन ऑफ माउंटेन स्लोप्स बाय द सन, या एक एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, या एक रेयर फ्लावर है जिसको यहां पर माउंटेनियस रीजन में देखने को मिला है। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो आंसर है गाइज ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, एक नेचुरल फिनोमिना है इन्वॉल्विंग द इल्यूमिनेशन ऑफ माउंटेन स्लोप्स बाय द सन। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं जो माउंटेन के स्लोप्स हैं वो किस तरीके से यहां पर जगमगा रहे हैं, तो इसी का नाम रखा गया है एल्पेन ग्लो। ठीक है एस्ट्रोनॉट लोरा ओहारा और उन्होंने अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैप्चर किया है एल्पेन ग्लो को, कहाँ पे, कौन से माउंटेन के पास, नियर द हिंदू कुश माउंटेन के पास। ये नेचुरल फिनोमिना जो है ये कब होता है, सनराइज में या सनसेट में हमें ये देखने को मिलता है। कॉस्टिंग रोजी रेडिश या ऑरेंज ह्यूज जो है माउंटेन स्लोप्स में देखने को मिलती है। एल्पेन ग्लोज कलर वेरी ड्यू टू द सन्स एंगल एंड एटमोस्फेरिक कंडीशन। एटमोस्फेरिक जो कंडीशन है उसके कारण भी इसका जो कलर है वो वैरी करता रहता है, बदलता रहता है। ओके वाइब्रेंसी डिपेंड्स अपॉन ऑन द सन्स लोकेशन, लाइट एंगल, क्लाउड्स, ह्यूमिडिटी एंड पार्टिकुलेट्स। इसकी जो वहाँ पर वाइब्रेंसी देखने को मिलती है वो सूरज की रोशनी लोकेशन कहाँ पर है, उसका एंगल कौन सा है, क्लाउड्स कितने हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है और उसमें पार्टिकुलेट्स कितने हैं, उस पर यहाँ पर ये डिपेंड करता है। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाइस, अकॉर्डिंग टू स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया SPAI, स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, इसकी अगर हम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें, विच स्टेट यूटी हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लिपर्ड। तो कौन सी स्टेट में यहां पर क्या है सबसे ज्यादा लिपर्ड देखने को मिलते हैं। ऑप्शन हैं जम्मू लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ठीक है तो इसका आंसर गाइज आपको यहां पर बताना है। ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पर लद्दाख। अभी यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जो है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जिनका नाम है श्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने इंडिया की फर्स्ट एवर स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट यहाँ पर रिपोर्ट निकाली है। 4 ईयर लॉन्ग साइंटिफिक एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिली, जिसको यहाँ पर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने उस एक्सरसाइज को किया। उन्होंने यहाँ पर एस्टिमेट लगाया कि अप्रॉक्सीमेटली 718 स्नो लिपर्ड हैं इन द वाइल्ड जंगल में, ये 718 स्नो लिपर्ड देखने को मिले हैं। लद्दाख लीड विद 4 to 477 सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिले, लद्दाख में
देखने को मिले, उसके बाद 124 उत्तराखंड में देखने को मिले, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिले 51, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिले 36, सिक्किम में देखने को मिले 21, एंड आपके जम्मू एंड कश्मीर में, जो आपको याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिले खाली 9, ठीक है, जो कि आपको आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद होना चाहिए। इंडिया होल्ड 10-15% ऑफ द ग्लोबल स्नो लिपर्ड पॉपुलेशन, अगर इंडिया के में देखें तो 10-15% जो है ग्लोबल स्नो लिपर्ड की पॉपुलेशन की यहाँ पर देखने को मिलती है हमारे भारत में। ओके, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सालहर फोर्ट, इंपॉर्टेंट है आपके आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सालहर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट एंड पानहाला फोर्ट, ये अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिले, ये कौन सी यहां पर स्टेट में है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या राजस्थान, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र, ठीक है, कहां पर देखने को मिले, महाराष्ट्र में देखने को यहां पर ये हमें फोर्ट देखने को मिले। इंडिया हैज प्रपोज द मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स इन इंडिया, यहां पर इंडिया ने प्रपोज किया है कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है इंडिया की फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट रिकॉग्निशन 2024 एंड 2025, जो 2024 और 2025 की लिस्ट आएगी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, तो वहाँ पे जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप है इंडिया की उसमें उसको भी यहाँ पर रखा जाएगा। ड्वेल बिटवीन यहाँ पर 17th से 17th and 19th century के बीच में इसको बनाया गया है, ये मिलिट्री लैंडस्केप जो है ये शोकेस करती है, एक्सेप्शनल यहाँ पर फोर्टिफिकेशन सिस्टम था, ठीक है, जो यहाँ पर मराठा रूलर ने इसको बनाया था। नेटवर्क ऑफ फोर्ट स्पैनिंग द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस, जो यहाँ पर आपकी सह्याद्री माउंटेन रेंजेस हैं वहाँ से ये स्पैन करती है, इनका स्पैन वहाँ से है, कौन-कौन कोस्ट को कवर करती है, डेक्कन प्लेट्यू को कवर करती है, आपके ईस्टर्न घाट्स को कवर करती है, ठीक है, तो यहाँ से एक डिस्टिंक्टिव लैंडस्केप्स यहाँ पर देखने को मिलती है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने, इंडिया ने कहा है कि यहाँ पर इसको हम मराठा मिलिट्री लैंडस्केप जो है भारत की उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे वो सालहर फोर्ट, शिवनेरी फोर्ट, रायगढ़, विजय दुर्ग और बाकी सारे होंगे, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जो भी क्वेश्चन यहाँ पर रहता है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही रहता है, ठीक। रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसका आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का गाइस आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने यहाँ पर रिलीज की है एक रिपोर्ट जिसका नाम है द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू इन 20 जनवरी 2024। अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके हाथ में है तो आपको पता है निर्मला सीतारमन जी के हाथ में। ओके, चलिए अब हम यहां पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। मार्तंड सन टेंपल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है, रिसेंटली यहां पर आपको न्यूज में देखने को मिला है, तो ये कौन सी स्टेट में है, तो गाइस सबको पता है कि ये लद्दाख में नहीं है, राजस्थान में नहीं, जम्मू कश्मीर में, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, तो गाइस मार्तंड सन टेंपल जो है ये यहां पर कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। ओके, मेंबर्स ऑफ द हिंदुत्व ग्रुप, जो हिंदुत्व ग्रुप के मेंबर जो है रिसेंटली उन्होंने यहां पर जो ब्रीच द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको ब्रीच किया, प्रोटेक्टेड मार्तंड सन टेंपल हिस्टोरिक हिंदू टेंपल कहां पर देखने को मिलता है, अनंतनाग में, कहां पर है, कश्मीर वैली में, इसको यहां पर 18वीं सदी में बनाया गया था, इसको किंग ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा ने बनाया था, इट ब्लेंड्स कश्मीरी, गुप्ता, चाइनीज, गंधारा, रोमन एंड ग्रीक, यहां पर इसमें कश्मीरी जो स्टाइल है, गुप्ता का स्टाइल है, चाइनीज स्टाइल है, गंधारा स्टाइल है, रोमन एंड ग्रीक आर्किटेक्चरल स्टाइल जिस टेंपल में आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब थोड़े से क्वेश्चन यहाँ पर बचे हैं, व्हाट इज द प्राइमरी हैबिटेट ऑफ ब्लैक क्राउन्ड नाइट हिरन, रिसेंटली यहाँ पर न्यूज में देखने को मिला, यहाँ पर आप इसकी इमेज भी देख पा रहे होंगे, वेटलैंड है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, डिजर्ट है या स्नो माउंटेन है, ब्लैक क्राउन नाइट हेरन जो है यहाँ पर ये है क्या, यहाँ पर ये आपका एक वेट लैंड है, ठीक है, रिंग्ड जुवेनाइल ब्लैक क्राउन नाइट हेरन जो है यहाँ पर ये डेड देखने को मिला है लोकल पॉन्ड में इम्फाल में, ठीक है, जो वाज बैंडेड इन चाइना की, यहाँ पर ये चाइना के बीजिंग में है, ब्लैक क्राउन नाइट हेरन जो है निक्टिकोरैक्स इज अ मीडियम साइज हिरोन है विद अ टॉकी बिल्ड, जिसका वजन जो है 727 से 1014 ग्राम का था,
ठीक है, 58-66 सेंटीमीटर इसकी लेंथ थी। रिकॉग्नाइजेबल यहाँ पर अगर इसको IUCN की रेड लिस्ट में अगर इसको देखें तो ये लीस्ट कंसर्न में हमें देखने को मिलता है। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्लेयर वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ऑप्शन है आपके सामने, अंकित रैना, अरियना साबलेनका, जिंग क्वीन या बारबोरा जोकेव। इस क्वेश्चन का गाइस आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, अरियना साबलेनका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्लाइगनर स्पोर्ट्स किट स्कीम अभी रिसेंटली न्यूज में देखने को मिली है, कौन सी स्टेट ने इसको स्कीम को लॉन्च किया है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या महाराष्ट्र। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास तमिलनाडु। जो स्टेट डेवलपमेंट एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है यहाँ पे उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है क्लाइगनर स्पोर्ट किट इनिशिएटिव को, यहाँ पर जिसमें जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है वो 12,000 विलेज पंचायत में डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर करी जाएंगी, यहाँ पर टू कमेमोरेट एम करुणानिधि, जो करुणानिधि की जो बर्थ सेंचुरी है उसके उपलक्ष पर यहाँ पर ये स्कीम्स देखने को मिलेगी, जिसके थ्रू यहाँ पर ये चीजें दी जाएंगी। तो गाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर ये कि व्हाट इज अ वर्ल्ड टाइफून। वर्ल्ड टाइफून क्या है, रिसेंटली न्यूज में देखने को मिला, एक न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, न्यू एनवायरमेंट इनिशिएटिव है, या साइबर हैकिंग ग्रुप है, या एक क्रिप्टो करेंसी है। तो गाइज यहाँ पर वर्ल्ड टाइफून आप यहाँ पर देख रहे होंगे, वर्ल्ड टाइफून से काम किस तरह होता है। तो गाइज ये हैकिंग किए गए अटैकर क्या करता है, ठीक है, अटैकर कंप्रोमाइज सुहो डिवाइसेस एसस, सिस्को, डी लिंक, नेटगेयर एंड जिक्सल, इसको यहाँ पर ये यूज करते हैं। तो इनिशियल एक्सेस यहाँ पर आपको आती है, आपके डिवाइस में आ जाती है, उसके बाद जो आपका AD क्रेडेंशियल जो है, जो आपकी फ्रंटलाइन डिवाइसेस यहाँ पर उसकी होती हैं, उसके साथ उसके थ्रू ये होता है, उसके बाद कंप्रोमाइज करते हैं और आपके एक्सेस को थ्रू डोमेन मशीन्स में क्या कर लेते हैं, उनको एक्सेस कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर ये सारा प्रोसेस होता है, और उसके बाद डिस्कवर टारगेट कलेक्ट एंड डंप क्रेडेंशियल वाया C2 एंड लॉलबिन्स परसिस्ट, तो आपके डेटा को यहाँ पर स्टील किया जाता है। तो गाइज यहाँ पर ये वर्ल्ड टाइफून बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये एक साइबर हैकिंग ग्रुप है जिसका नाम रखा गया है वर्ल्ड टाइफून। US गवर्नमेंट ने रिसेंटली यहाँ पर शट डाउन किया है चाइना का ये, इसको चाइना हेड करती है इस हैकिंग ग्रुप को, इसका नाम है वर्ल्ड टाइफून। ये एक्टिव है सिंस 2021 से, यहाँ पर ये एक्टिव देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पनेज एंड टारगेटिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर टारगेट किया जाता है। वर्ल्ड टाइफून यूटिलाइज स्टील्थ लिविंग ऑफ द लैंड टेक्निक्स एंड प्री इंस्टॉल्ड यूटिलिटीज, उनको यहाँ पर ये स्टील करने की कोशिश करता है, उनको चोरी करने की कोशिश करता है। ओके गाइस, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आई होप कि आपने यहाँ पर कुछ अलग सीखा होगा, जो आपको नहीं पता था आपको यहाँ पर जानने को मिला होगा। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। तो गाइज आप मुझे बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है, क्या आप ऐसे जो और सेशंस हैं क्या वो आप चाहते हैं कि ऐसे आपके लिए और भी सेशन लेकर आए जाएं, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर देखने को मिला कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सेशन में इंटरेस्टेड नहीं थे, वो यहाँ पर आके बीच में चले गए। तो 8 से 9 बच्चों ने यहाँ पर सेशन को हमारा इस सेशन को कंटिन्यू यहाँ पर देखा है। तो अगर आपको नहीं लगता है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि मुझे अपना टाइम आपके लिए इतना वेस्ट करने की ज़रूरत है। 1 से 1.5 घंटा आपसे आपके लिए एक दो घंटा बनाने में लग जाता है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने में घंटा लग जाता है, यानी कि 2 से 3 घंटे मेरे इस सेशन में यूज़ होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए प्रोडक्टिव टाइम निकाल कर ला सकता हूँ। तो देखो जो बाकी क्लासेस हैं थोड़ा आजकल वो देखो, मेरे सारे टीचर्स ना सारे एम्प्लॉई हैं, जितने भी मेरे इस पे प्लेटफॉर्म पे टीचर हैं एक्सेप्ट संजय सर, सारे यहाँ पर हम एम्प्लॉई हैं। तो आजकल क्या चल रहा है, तहसीलदार जो है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो गए हैं, तो वो उनकी फेयरवेल पार्टी में बिजी हैं। सो और हमारे मुकेश सर हैं, उनको थोड़ा हेल्थ का इश्यू है, साइंस वाले सर, थोड़ा इसलिए आपको वीडियोस वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन आई होप कि मंडे से सारे टीचर्स यहाँ पे, मैंने उनसे आज भी कहा था कि मुझे वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलरली चाहिए, क्योंकि मैंने चाहता कि हमारे जो चैनल पे पढ़ने वाले किसी भी बच्चे को कोई परेशानी आए, ठीक है, तो हमारा यही एक क्या रहती है,
एफर्ट रहती है कि हर एक बच्चे को हम अच्छे से अच्छे यहाँ पर प्रोवाइड कर पाएँ। मैथ भी कंटिन्यू यहाँ पर होगा। तो गाइस आप क्या करना, सेशन के बाद ना वीडियो को शेयर, 13 बच्चे हैं, 13 के 13 बच्चे यहाँ पर सेशन को एक बार शेयर करके आ जाएंगे। अभी तो पहले मैं बीच में कुछ बोलते नहीं, और हाँ वीडियो को 13 के 13 बच्चे यहाँ पर लाइक कर देना, ठीक है। मैथ भी आपको आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा, 5 ही नंबर का तो मैथ है, लेकिन आपको वो 5 नंबर भी नहीं छोड़ने हैं, वह 5 नंबर भी आपको करने हैं। तो गाइस एक बार आपको एक लास्ट में एक और चीज़ यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ कि गाइस अगर देखो, अगर अभी तक आपने जो हमारी बुक्स है ना वो अगर परचेज नहीं की है तो आप जाकर उनको भी यहाँ पर परचेज कर सकते हैं, ठीक है। परचेज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं, आप जाकर वहां से उनको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी अभी परचेज कर लोगे तो आप आसानी से सारा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जो जीके की बुक है वो भी बहुत लेंथी है, वो भी बहुत लंबा सिलेबस है, उसको आप कम नहीं समझना, ठीक है। और साथ में जो आपका जो सिलेबस सोशियोलॉजी का है उसकी बुक तो आपको मैंने प्रोवाइड कर ही दी है। जिन बच्चों ने परचेज नहीं की है तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखा है, तो आप जाकर वहां से उसको परचेज कर लेना। तो आपको करने परचेज करने के बाद नंबर सबको पता है कहाँ पे आपको शेयर करना है, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन, हैव अ नाइस डे। बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, 12 बच्चे हैं यहाँ पर जुड़े मेरे साथ, तो बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। इस हार्ड कॉपी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे सारे टीचर एम्प्लॉयड है, तो हम इतना नहीं कर सकते हैं कि हम घर घर बच्चे तक बुक पहुँचा सकते हैं, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप परचेज करोगे स्क्रीनशॉट वहाँ पर भेज देना, ठीक है, स्क्रीनशॉट भेज देना, उसके बाद आपको मैं उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है वो डिलीवर करवा देता हूँ, ठीक है। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछिए, नहीं तो हम सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। ओके, गुड नाइट।